तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कढ़ी पकौड़ा की रेसिपीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने 4 से 5 मेंबर के लिए कढ़ी पकौड़े की रेसिपी तैयार करेंगे। दोस्तों कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून खड़ा धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून सौंफ ली है और 1 टीस्पून राई लिया है। दोस्तों यहाँ पे 2 प्याज को हमने जुलियन कटिंग काट के रख लिया है और 2 प्याज को हमने यहाँ पे बारीक कटिंग काट के रख लिया है। उसके बाद दोस्तों लहसुन की कली ली है 5 से 6, जिसको हमने क्रश करके रख लिया है और 5 हरी मिर्ची ली है, उसको हमने बारीक काट के रख लिया है। 2 तेज़पत्ते के टुकड़े लिए हैं, 2 साबुत लाल मिर्ची ली है, 10 से 15 कड़ी पत्ते लिए हैं और दोस्तों यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून से भी कम हींग ली है। तो दोस्तों अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बेसन और छाछ का जो घोल है उसको पकाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 60 ग्राम बेसन लिया है और 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें छाछ ऐड करेंगे, आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गैस को ऑन कर लेंगे और चम्मच की सहायता से इसको हिलाते रहेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए जब तक उबले नहीं जब तक हमें चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो दोस्तों हमें अगर चम्मच को नहीं चलाया तो दोस्तों जो हमारी छाछ है वो फट जाएगी। ये देखिए हमारा जो बेसन का और छाछ का जो गोल था वो उबल चुका है और इसके अंदर हमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक उबालना है ताकि जो बेसन है वो कच्चा नहीं रहे। जो हमारा कढ़ी का जो गोल है वो पकता है जब तक हमें जो पकौड़े हैं उनको निकालेंगे। तो पकौड़ा बनाने से पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर 500 ग्राम तेल को ऐड कर लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। तेल गर्म होगा जब तक हमें पकौड़ा का जो गोल है उसको तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन के अंदर 100 ग्राम बेसन को ऐड कर लिया है, हरा धनिया पत्ती को ऐड कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर लिया है, 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जो हमारे बारीक कटे हुए प्याज है इनको ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे 1 से 2, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे और पानी ऐड करके हमें घोल तैयार कर लेना है। हमें पकौड़े का घोल तैयार करना है दोस्तों, तो थोड़ा सा ड्राई रखेंगे। और ये देखिए हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो हाथों की सहायता से हम पकौड़े को छोड़ देंगे इस प्रकार से। ये देखिए पकौड़े हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो जरे की सहायता से हमें किसी बर्तन के अंदर निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून करीबन तेल को रख लिया है। इसके बाद हमें तेज़पत्ता और खड़ी लाल मिर्च को ऐड कर लेंगे और फिर हमारी राई, सौंफ, खड़ा धनिया, जीरा इनको भी ऐड कर लेंगे और हींग जो है इसको भी ऐड कर लेंगे। इनको थोड़ा सा भूनने देंगे। हरी मिर्ची, लहसुन और कड़ी पत्ते हैं इनको भी ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हमें अब प्याज को ऐड कर लेना है, तो हमारे जो जुलियन कटिंग प्याज है उनको ऐड कर लेंगे। दोस्तों इन सभी को अब ब्राउन होने तक फ्राई करना है, तो फटाफट से हाथ को चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है वो जले नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार की रेसिपीज़ की वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लाल कलर बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना। दोस्तों उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और आपने अपना चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये हमारे प्याज, लहसुन सभी एक साथ ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे दोस्तों। लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे, तो 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दिया है हमने और थोड़ा सा हमने तड़के को निकालेंगे ताकि ऊपर से हम ऐड करेंगे। और ये जो हमारा बेसन और छाछ का जो घोल है ये अच्छी तरीके से पक चुका है दोस्तों, तो इसको अब इसमें ऐड कर देंगे और गैस को हम कम कर देते हैं। इसके बाद हमारे जो पकौड़े हैं इनको ऐड कर देंगे।
और ऊपर से हरा धनिया पत्ती को ऐड कर लेंगे। जो हमारा तड़का बचा हुआ है इसको भी ऊपर से हम चम्मच की सहायता से ऐड कर देंगे। और ये हमारी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।